नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बलिया से मलिक कांस्टेंसी अल्लाहपुरी डिवीजन में आज एक दौरा किया गया। ये आगापुरा राजर हुसैन कम्युनिटी हॉल सनशाइन स्कूल तमाम दौरा किया। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब गफर खान साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के तमाम सदर एक्टिव वर्कर सबके सब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पे और उनकी सदारत के अंदर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब हफीज मिल्लत के खास लीडरशिप के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आवाम से मुलाकात करती है और आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। जो मल्लापल्ली डिवीज़न में आज दौरा किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकामी लोगों से मुलाकात हुई और तमाम तफसीलात हासिल किए। अल्लाह के फजल करम से सब काम चल रहे हैं और जो काम को अभी तेज़ी करना है उसको भी बताया है। जो छोटे मोटे काम यहाँ पर नोट कराए गए हैं, इंशाल्लाह वो काम भी जल्द से जल्द तक कम्प्लीट कर दिए जाएंगे। मैं तमाम आज के दौरे में जो मौजूद थे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोतमर एक्टिव वर्कर बस्ती के ज़िम्मेदार जनाब खलील भाई साहब साबिका इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो भी इत्तेफाक से आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, उनके घर के भी अतराफ व अकराफ का दौरा किया गया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके साथ साथ तमाम ऑफिसर चाहे वो GHMC के हो, इलेक्ट्रिसिटी के हो, वाटर वर्क्स के हो या दूसरे महकमे के हैं, उनके शुक्रिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आवाम से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ, आपका अगर कोई भी मसला है तो आपके एरिया के जो सदर मजलिस के हैं उनको बताइए, कारपेटर को बताइए या मुझे बताइए या दारुस्सलाम आकर आप उसकी इत्तला दीजिए ताकि हम वो कामों को जल्द से जल्द तकमील करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।